जय हिंद दोस्तों, आज हम जीके एंड जीएस, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम जो है आपका, री एग्जाम की डेट जो है आ चुकी है। आपका जो आपका री एग्जाम होना है वो 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच जो है होना है। तो पूरा मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 30 दिन जो है आपके एग्जाम में बाकी हैं। तो यही हम ध्यान में रखते हुए जो है आपके बीच जो है जीके और जीएस की सीरीज लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 15 जो है प्रीवियस ईयर, यानी कि जो विगत वर्षों में जो है यूपीपी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो 15 ऐसे प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से आपको जो है फायदेमंद साबित होंगे। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम पहली स्लाइड की ओर। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। और पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, और पहला प्रश्न आपका है कि झीलों की, जी हाँ दोस्तों, झीलों की नगरी जो है किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर, जी हाँ दोस्तों, उदयपुर को जो है झीलों की नगरी का जो है शहर कहा जाता है। और उदयपुर है कहाँ पे? तो राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो है उदयपुर है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में काफ़ी सारी जो है झीलें मौजूद हैं, इसलिए जो है उदयपुर को जो है झीलों का शहर कहा जाता है। तो अगर वही प्रश्न नंबर दो की बात की जाए तो प्रश्न नंबर दो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह भी आपका क्वेश्चन जो है यूपी में पूछा जा चुका है कि वेदों की ओर लौटो का लोकप्रिय नारा जो है किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जहाँ दोस्तों दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है यह नारा जो है दिया गया था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर तीन आपका है कि वंदे मातरम स्रोत गान जो है किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, जो वंदे मातरम है आखिरकार लिखा किसने था? तो बंकिम चंद चटर्जी द्वारा जो है यह लिखा गया था। तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके यूपीपी के एग्जाम के अगर लिहाज से देखे जाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर करें। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। और आपका प्रश्न नंबर चार है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर वही भारत के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो आप जानते हैं हॉकी है, और यह दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, जी हाँ दोस्तों, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है यह खेल दिवस जो है मनाया जाता है। अगर प्रश्न नंबर पाँच की बात की जाए, छत्तीसगढ़, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर, जी हाँ दोस्तों, रायपुर। और इसका अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो अटल नगर, जी हाँ दोस्तों, अटल नगर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अब अगर बात की जाए प्रश्न नंबर छः की, गोवा की राजधानी, तो गोवा की राजधानी जो है पणजी। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछ करके आपको जो है परेशान कर सकते हैं। तो आप कृपया जो है इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देकर परीक्षा में जाएं। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न नंबर सात आपका है कि अहमदाबाद शहर जो है नदी के तट पर बसा हुआ है, मतलब जो अहमदाबाद शहर है जो है किस नदी के तट पर जो है बसा हुआ है? तो साबरमती, जी हाँ दोस्तों, साबरमती नदी के तट पर जो है यह शहर बसा हुआ है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर आठ, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन यह पैदा करने वाला प्रश्न है आपका। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर नौ आपका है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1 नवंबर 2000 जो आपका था तो उसमें जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, बेहद ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए यह है। प्रश्न नंबर 10 आपका है कि वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड, जहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है आपकी? वेलिंगटन है। अगर वही बात की जाए प्रश्न नंबर 11 की, तो टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया हुआ था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया हुआ था। अगर प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एक्सरे तस्वीरों के लिए, जहाँ दोस्तों एक्सरे तस्वीरों के लिए जो है ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर आपका 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? जहाँ दोस्तों सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पेरिस फ्रांस, जहाँ दोस्तों पेरिस फ्रांस जो है यह सिंध नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। अगर वही प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 14 आपका है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8, भारत में केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है? 8 है। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 आपका है कि ऑनर्स योर ट्रस्ट, जी हाँ दोस्तों ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस
बैंक की जो है टैगलाइन है, जैसे तो किस बैंक की टैगलाइन है, तो यूको, जहाँ दोस्तों यूको जो आपकी बैंक है उसकी ये टैगलाइन है। तो ये आपके 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले यूपीपी एग्जाम के अगर लिहाज से देखे जाएं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही आपको जो है दिन प्रतिदिन जो है स्लाइडें मिलती चली जाएंगी, तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहें ताकि आप अपना जो है एक स्थान जो है एक सीट जो है आप पक्का कर सकें इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।